देखो बच्चों, आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज हमारा एपिसोड नंबर 11 होने वाला है और इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर 19, 20, 21। मतलब ये तीन क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने हैं। इन तीन क्वेश्चंस में फिक्स कैपिटल जो मेथड है, पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन करने का जो फिक्स कैपिटल मेथड है, उस मेथड से रिलेटेड ये तीन क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथ में आपसे जो इस क्वेश्चंस में पूछा जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पूछी जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है वो जर्नल एंट्रीज पढ़ लेते हैं, है ना, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जब पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाते हैं, उस पे पार्टनरशिप फर्म जो इंटरेस्ट पे करती है, उस इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है वो जर्नल एंट्रीज हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए जी, मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो चीज आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है जो वो पार्टनर को पे कर रहे हैं। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड करेगी पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो इस तरीके से होगी, मैं लिख रहा हूं फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। पार्टनर को जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म अलाउ करती है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। टू, उस पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में वो जो है इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप फर्म जो है वो कभी भी पार्टनर्स को कैश में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं देगी। वो क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है कैपिटल और ऑब्लिक लगा के लिखा है करंट। क्यों कैपिटल और क्यों करंट? देखो, जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अपने कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू जब मेंटेन किया जाता है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, किसी भी प्रकार का कोई रेमुनरेशन जब पार्टनर को दिया जाता है, तो उसे पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है? लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, जो अब हम डिस्कस करेंगे इन तीन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अगली क्लास में, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक जो है वो अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस केस में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टनर को, तो वो कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। ठीक है? तो फाइनली क्यों कैपिटल या करंट अकाउंट में डाला जाता है? बिकॉज इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है जो कि फर्म की लाइबिलिटी है। ठीक है? तो इसीलिए ये एक एंट्री होती है। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री होती है बेटा, ये तो आपने अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है, अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के एंड में आईओसी को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। क्लोज कैसे किया जाएगा बेटा? क्लोज करने के लिए ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बेटा हमारा टॉपिक है छोटा सा, मतलब सिर्फ जर्नल एंट्री मैंने पढ़ाई है आपको। कौन सी वाली? जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं पार्टनर को। ठीक है? देखिए जी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जितने भी आइटम्स आते हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो पार्टनर का, चाहे वो आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सभी में यही एंट्रीज होती है। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह सैलरी दे रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कमीशन दे रहे हो तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है? क्रेडिट फिर यही होगा और इसके जस्ट बाद इसे क्लोज करने की एंट्री होती है। ठीक है? एक बार फटाफट से एसएस ले लें, इन दोनों एंट्रीज की जगह कंबाइंड एंट्री भी मैं आप लोगों को नोट करवाने वाला हूं। ले लिया होगा एसएस? देखिएगा बच्चों, अब जो मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों एंट्रीज को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, तो देखो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कट जाएगा, तो एंट्री क्या बचेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये एंट्री होगी इसकी कंबाइंड एंट्री। देखिएगा मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं लिखता हूं कंबाइंड एंट्री फॉर दी अबव टू एंट्रीज, जो अभी हमने ऊपर एंट्रीज की थी दो, उसकी जगह पे अगर हमें कंबाइंड एंट्री करनी हो तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, क्लियर है? ये बेटा कंबाइंड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो ये एंट्री कहां से बनी, आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ना, आपको याद होगा ऐसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, इसके डेबिट में जो भी आइटम आप लिखते थे, जैसे आईओसी लिखते थे ए और बी को दिया, फिर सैलरी लिखते थे, तो ये सब डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू आईओसी ना लिख करके सीधा ए और बी के अकाउंट में डाल, जो भी अमाउंट आप पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कंबाइंड, और जो भी पैसा आप चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से वो इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा जैसे, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, इसकी जस्ट उल्टी एंट्री, ठीक है? तो ये लगभग मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की भी कुछ एंट्री समझा दी। चलिए तो ये अगर आप लोगों ने अपने पास नोट कर ली हो तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए मैं हटा देता हूं बेटा इसे, आ जाइए क्वेश्चन पे। अब हमें कैलकुलेशन करनी है और साथ में एंट्रीज सीखनी है, ठीक है जी? आइए जरा क्वेश्चन 19 क्या कहता है पढ़ते हैं क्वेश्चन 19 को। क्वेश्चन 19 सेज, देखिएगा मैं आप लोगों के साथ पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्वेश्चन 19 सेज अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st अप्रैल 2020। अमित और सुमित जो है उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है और वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर हुए हैं, ठीक है जी? इसके बाद लिखा है इन्होंने लगाए हैं 150,000 और 250,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। इन्होंने 150,000 तो लगाए अमित ने और सुमित ने लगाया 250,000, ठीक है जी? आगे लिखा हुआ है टुवर्ड्स हिज कैपिटल, टुवर्ड्स देयर कैपिटल द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है, क्लियर है? आगे लिखा है इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना है वो कौन से मेथड को फॉलो करते हुए देना है, फिक्स कैपिटल मेथड को, ठीक है? ये बात समझ आती है, फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते हुए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, दैट्स इट। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी गई है कि क्या जर्नल एंट्री होगी, ठीक है? तो आप चाहो तो कंबाइंड जर्नल एंट्री कर लो और आप चाहो तो सेपरेट सेपरेट जर्नल एंट्री कर लो। अभी जो मैंने की थी वो कंबाइंड जर्नल एंट्री थी लास्ट में, और उससे पहले सेपरेट सेपरेट थी, तो हम दोनों ही करेंगे। पहले एक बार मैं आपको सीधी सीधी सी कैलकुलेशन बता दूं। देखिए पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। चलिए वर्किंग नोट थोड़ा नीचे बना लेंगे, इधर इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, ठीक है? सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है। जर्नल एंट्री याद रखना जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में की जाती है ऑलवेज, क्लियर? ये डेबिट ये क्रेडिट पर्टिकुलर्स, ऊपर लिखा जाएगा जर्नल एंट्रीज। तो पहली एंट्री मैं आपको दो कंबाइंड एंट्री, पहले दो एंट्रीज फिर कंबाइंड एंट्री भी करके बताता हूं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे अमित और सुमित के नाम दिए हुए हैं मेरे पास, टू अमित कैपिटल टू सुमित कैपिटल। देखो जी बहुत सिंपल सा अमाउंट निकलेगा, दोनों की कैपिटल का 10-10% निकाल लो डायरेक्टली। तो 10% निकालने के लिए आपके पास 150,000 का 10% 15,000 आएगा और 250,000 का 25,000 आएगा, टोटल आ जाएगा 40,000। ये फर्स्ट एंट्री, आप नरेशन भी लिखोगे क्या कि आपने
आईओसी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी प्रोवाइड किया है, ये एक एंट्री होगी। इसके बाद बेटा जो दूसरी एंट्री होगी वो इसको क्लोज करने की होगी एट द एंड ऑफ द ईयर। याद रखना इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिल रहा है। मैं डेट का कॉलम भी आप लोगों के लिए बना देता हूँ, क्योंकि डेट भी कॉलम बनता है जर्नल एंट्रीज में। तो इसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो भी 31 मार्च 2021 में, सेम 31 मार्च 2021 में एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई। ये आपने दो एंट्री कर दी डायरेक्टली 40,000 डेबिट 40 क्रेडिट, यहां तो ये दो एंट्रीज कर ली आपने। आप चाहो तो लिख सकते हो IOC is transferred to profit and loss appropriation. ठीक है, खत्म। अब आप चाहो तो इसकी जगह कंबाइंड एंट्री कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री में क्या होगा, इन दोनों एंट्रीज की जगह आप एक एंट्री कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित टू सुमित टू सुमित कैपिटल। टोटल 40,000 रुपीज पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर, 15,000 अमित, 25,000 सुमित, खत्म। अब आपको ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, बट आई होप सो आप समझ गए हो, है ना। ओके बच्चों, एक बार फटाफट से नोट करने से एसएस ले ले, आ गया समझ में क्वेश्चन कितना सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सेज कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख ईच। कमल की भी 5 लाख, कपिल की भी 5 लाख, दोनों की 5-5 लाख रुपए की कैपिटल है 31 मार्च 2020 को, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, अप्रैल 2020 से मार्च 2021, ठीक है। तो कमल और कपिल की 5-5 लाख रुपए की कैपिटल है। कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। अब कमल ने 1 लाख रुपए और लगाए हैं बिजनेस में ऑन 1st October 2020, वेर एज कपिल विड्रॉ रुपीज 1 लाख ऑन 1st October 2020 आउट ऑफ कैपिटल। अब समझो इनकी कैपिटल चेंज हो रही हो ड्यूरिंग द ईयर, एक जना लगा रहा है और एक जना निकाल रहा है। तो अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो आगे है द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। आपको पास करनी है जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना, ठीक है जी। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है जी। आइए जरा, तो ये क्वेश्चन 20 देखने से पहले, अगर 21 में कुछ सेम हो तो पहले 21 देख लें। बेटा क्वेश्चन 21 पहले कर लेंगे, क्योंकि उसमें मुझे यही एंट्रीज फिर से नहीं करनी पड़ेगी, मैं एक ही बार में समझा दूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन 21 पहले कर लेते हैं फिर 20 पे चलते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि 20 क्वेश्चन में मुझे एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आपको क्लियर करनी पड़ेगी, फिर जर्नल एंट्री फिर से करनी पड़ेगी, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन 21 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 भी इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। बस एक चीज और मैं आपको ऐड करवाऊंगा क्वेश्चन 20 में। 21 पढ़ते हैं पहले। Question 21 says Simran and Reema are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Simran और Reema दो partner, profit sharing ratio 3:2 है. Their capital as on 31st March 2020 were rupees 2 lakh each, whereas current account balances 50 and 25,000 respectively. देखो अब इस question में Simran और Reema दो partners हैं, इनकी capital 2-2 lakh रुपए है, ये fixed capital है, और इनकी current account की capital भी दी हुई है, current account के balances भी दिए हैं 50 और 25,000। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम जो है वो हमें चार्ज करना है, देना है। आई मीन द फर्म अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2021। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और साथ में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना करके। तो ठीक है जी, ये सबसे ईजी क्वेश्चन है ना। तो आप आइए जरा छोटी सी कैलकुलेशन जो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, पहले तो मैं एक एंट्री, ये एंट्री पास कर लेंगे। एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
सिमरन और रीमा, बस यहाँ पे मैं चेंज कर लूंगा सिर्फ ये नाम, ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहने वाला है, डिजिट्स चेंज हो जाएंगे, एंट्रीज जनरली यही रहेगी। टू सिमरन, फर्स्ट सिमरन है और फिर रीमा है, ठीक है। तो मैंने एंट्रीज पास कर ली, सेम एंट्रीज है, एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री वही होती है, सिमरन और रीमा, ठीक है। सिर्फ मुझे एंट्रीज का नेम चेंज करना पड़ा, जो पार्टनर्स है उनका नाम चेंज किया। अब आपके सामने एक न्यू कॉन्सेप्ट क्या है सर, देखिए न्यू कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो किस अमाउंट पे लगता है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो किस अमाउंट पे लगता है, फिक्स कैपिटल पे लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है, रेट जो दी हुई है आपके पास इंटरेस्ट, वो हमेशा फिक्स कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग कर रहे हैं 19, 20 और 21 क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसे। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एक नोट डाल करके लिख रहा हूँ, स्टार मार्क करके। आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। देखिए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है, आपने अगर किसी साल में और पैसा लगाया बिजनेस में, तो एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट निकाला जाएगा और ओपनिंग फिक्स कैपिटल पे भी निकाला जाएगा, करंट बैलेंसेस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट किया जाता। क्लियर है? आइए जरा यहाँ पे वर्किंग नोट वन हम लोग लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस देखेंगे यहाँ पे हम लोग। पहली है सिमरन, तो सिमरन का जो अमाउंट है 2 लाख है और रीमा का भी 2 लाख ही है, तो सिमरन का पहले हम लोग देख लेते हैं, 2 लाख, ना सिमरन एंड रीमा ईच, ये दोनों की ही है भाई, सिमरन और रीमा दोनों का 2-2 लाख रुपए है ना। तो आप देखिएगा कैलकुलेशन, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%, पूरे साल का ही देना है, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा भाई। तो 10,000 सिमरन में, 10,000 रीमा में, टोटल 20,000 रुपीज आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम 20,000 रुपये आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, और कंबाइंड एंट्री अगर आप करनी होगी तो 20,000 रुपये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, 10 सीमा में और 10 रीमा में। तो ये बेटा क्वेश्चन 20 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है, आप इसका एसएस ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सब बच्चे। ले लिया होगा बच्चा स्क्रीनशॉट आपने इसका। चलिए अब मुझे इसे हटाना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, बहुत सिंपल सा है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पहले बना चुके हैं तो आप लोगों को कोई टिपिकल नहीं लगेगा बेटा। देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तो प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में और साथ में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन अभी हमने कैलकुलेट की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी जी। चलिए जी देखिएगा, मैं लिख रहा हूं ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे कहता है कि इनका जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख रुपए मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 3 लाख, ठीक है। इसमें से हम लोग यहाँ पे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे रीमा और सीमा को, तो पहले सिमरन और रीमा दोनों को 10-10 हजार रुपए है, और कोई आइटम क्वेश्चन में है ही नहीं, तो 10 और 10 20 हजार रुपए हो गए। और अब अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 3 लाख में से 20 लेस करो, बाकी का प्रॉफिट ट्रांसफर, जो प्रॉफिट भेजना है हमें 3:2 में देना है दोनों को, सिमरन रीमा, तो
बेटा आपको इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए प्रॉफिट बचा आपका 2,80,000, 2,80,000 इंटू 3/5 सिमरन का आ जाएगा, ये कटेगा 5, 3 5, 5 25, 5, 6 30, 56 इंटू 3 168, 1,68,000 इसका, और 50-50 1,12,000 रीमा का, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 2,80,000। ठीक है जी, ये आप अपने पास ऐसे टोटल करके कंप्लीट कर लेना। ये कैलकुलेशन चाहो तो आप लिख देना, मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ फिर से। 2,80,000 इंटू 3/2 सिमरन और रीमा का 2,80,000 इंटू 2/5, ये 5 आएगा, अपॉन में 5 आएगा दोनों का टोटल। ठीक है जी, ये आ गया 1,68,000, ये आ गया 1,12,000, खत्म। टोटल कर ली, एसएस ले लीजिए, टोटल आप लिख लेना 3 लाख आ जाएगा। क्वेश्चन 21 था भैया, 20 नहीं था, 21 था, ये 21 कंप्लीट होता है। पीछे जो जर्नल एंट्रीज भी करवाई थी ना, वो भी 21 की थी। क्लियर है बच्चों, चले आगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बचा है वो 20 है। 20 को एक बार देखिएगा हम कैसे सॉल्व करते हैं। होगा ऐसे ही सॉल्व, पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 20 के लिए भी सेम लाइन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग फिक्स कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। ठीक है जी, तो आप देखिए जी, मैं पहले आप लोगों के सामने इधर वर्किंग नोट बना लेता हूं, क्योंकि इधर तो एंट्रीज होगी जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज बेटा इस बार मैं एक कंबाइंड जर्नल एंट्री कर देता हूँ, ताकि एक सिंगल एंट्री हो जाए, बाकी के स्पेस में हम लोग वर्किंग नोट बना करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर दें। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिएगा, क्वेश्चन 20 में जो इस तरीके से बात लिखी है कि कमल और कपिल दो पार्टनर्स हैं, 5-5 लाख रुपए दोनों ने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लगाए, बट बाद में कमल ने 1 लाख रुपए और लगाया अक्टूबर में, और उसी समय पे कपिल ने विड्रॉ कर लिए। तो देखिएगा, पहले हम कमल का कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ कमल। देखिएगा कमल का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, समझिएगा। पहले कमल ने 5 लाख रुपीज लगाए, तो 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक कमल ने बिजनेस में 5 लाख रुपए ही लगा रखे। इसने 1 लाख रुपए और कब लगाया, 1 अक्टूबर को लगाया ना, तो 1 अक्टूबर तक तो इसकी कैपिटल वही रही 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए का कितना परसेंट है, 10%, 10% इंटू 6 मंथ का, तो 25,000 रुपए का तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है इसका, 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक। फिर 1 अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक इसके टोटल अमाउंट हो गया 6 लाख बिजनेस में, 5 लाख तो पहले लगा रखा था, ठीक है, प्लस 1 लाख रुपीज और इंट्रोड्यूस किया, 6 लाख का 10% इंटू 6/12 30,000, तो टोटल इसका जो इंटरेस्ट आता है वो आता है 55,000। क्लियर है, तो कमल का जो इंटरेस्ट बनता है वो 55 बनता है। मैं इधर एंट्री पास कर देता हूँ, कंबाइंड एंट्री है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। आप चाहो तो बेटा दोनों लिख करके फिर कर लेना कंबाइंड, ठीक है, मैंने आपको दो क्वेश्चंस में बता दिया इसलिए मैं कंबाइंड एंट्री लिखता हूँ, कमल और कपिल्स कैपिटल। तो कमल की कैपिटल में तो हमने डाल दिया 55 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे नरेशन चाहो तो आईओसी प्रोवाइडेड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, दोनों कंबाइंड आ गया नरेशन, ठीक है। वर्किंग नोट वन मुझे हटाना होगा, कमल की जगह कपिल का बनाना होगा। एसएस ले ले एक बार, ठीक है जी। अब कमल के बाद आता है कपिल का नाम, ठीक है। कपिल के लिए देखिए क्या लिखा है, पहले तो इसने भी 5 लाख ही लगाए थे, बट देखिए फर्स्ट तो कपिल ने भी 5 लाख लगाए अप्रैल 2020 से लेके अक्टूबर 20 तक,
फिर अक्टूबर 20 में इसने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो 5 लाख में से 1 लाख विड्रॉ कर लिया, लिखा ना आउट ऑफ कैपिटल, तो वो माइनस करना पड़ेगा। अगर ये आउट ऑफ कैपिटल वर्ड नहीं होता ना कि इसने ड्रॉइंग किया, आउट ऑफ कैपिटल वर्ड नहीं लिखा होता, तो पता है मैं पूरे 5 लाख ही मानता पूरे 12 महीने तक जो इसने लगा रखे। इसने आउट ऑफ कैपिटल वर्ड दिया है, इसका मतलब ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल की है, समझ गए? तो इंटरेस्ट भी इसका कम होगा, तो 4 लाख का 10% 40,000 और ये 20,000, टोटल आ जाएगा 45,000। 45,000 कपिल का आ गया और टोटल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से एसएस ले ले, पेनल अप्रोप्रिएशन भी बनाना इसका, ऊपर जर्नल एंट्रीज लिख लेना। चलिए जी, एसएस ले लिया होगा। ओके, अगर आपने एसएस ले लिया है तो फिर मैं हटा देता हूं इसे, और ये दोनों फिगर्स 55 और 45 बस मुझे ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, दैट्स इट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो अब आपको आ चुका है भाई। देखिए जी, प्रॉफिट इस बार क्वेश्चन में कितना दे रखा है, वो बाय पीएनएल अकाउंट के नाम से आ जाएगा, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 6 लाख रुपीज का। 6 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कमल का 55, कमल कैपिटल करना और कपिल की कैपिटल 45, टोटल हो गया 1 लाख, बाकी का प्रॉफिट 5 लाख रुपीज आप ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके। ठीक है जी, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू की एंट्री हो जाएगी, रेशियो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, इक्वली ट्रीट होगा, कमल 250 और कपिल भी 250, कंप्लीट हो गया बेटा क्वेश्चन। मैंने आधा आधा कर दिया ना, 5 लाख रुपए जो बचा इनका प्रॉफिट, टोटल 6 लाख होता है, 6 लाख में से 1 लाख माइनस किया 5 लाख, 5 लाख को इक्वल इक्वल बांट दिया 1:1 में। ऐसे से लेने बच्चा, क्वेश्चन 20 कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं ऑफ करते हैं।